इन वजहों से हो सकती है खर्राटे आने की समस्या, इन आसान से उपायों से पा सकते हैं आराम। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे खर्राटों की समस्या और उनके उपाय के बारे में। आपने अक्सर कई लोगों को सोते समय खर्राटे मारते हुए देखा होगा। ये स्थिति काफी असहज करने वाली हो सकती है। इतना ही नहीं, आसपास सो रहे लोगों की नींद खर्राटों के कारण टूट सकती है। आम तौर पर खर्राटों की समस्या को हम सभी सामान्य मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में देखते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारे गले और ऊपरी वायु मार्ग में मौजूद ऊतक खुले होते हैं। इससे फेफड़ों में हवा आसानी से पहुंच जाती है। हालांकि सोते समय ये ऊतक शिथिल हो जाते हैं, जो वायु मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए नींद में सांस लेते समय जब हवा आपके गले तक पहुंच रही होती है, तो इस स्थिति में शिथिल ऊतकों के कंपन के कारण खर्राटे आते हैं। लोगों को अक्सर खर्राटे के साथ सांस लेने में रुकावट का अनुभव होता है। इस प्रकार की दिक्कत ज्यादातर हृदय रोग के जोखिम से संबंधित होती है। बुढ़ापा, मोटापा, धूम्रपान या शराब पीने की आदत भी खर्राटों का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि किन उपायों को प्रयोग में लाकर इस तरह की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। सोने की पोजीशन में बदलाव। यदि आप भी खर्राटे लेने की समस्या से परेशान हैं, तो सोने की पोजीशन में बदलाव करके भी कुछ हद तक इस समस्या से राहत पा सकते हैं। पीठ के बल सोने से कभी कभी आपकी जीभ आपके गले के पीछे की ओर चली जाती है, जो आंशिक रूप से आपके गले के माध्यम से वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती है। हवा के प्रवाह को बेहतर रखने और खर्राटों को कम करने के लिए करवट सोने से भी आराम मिल सकता है। वजन कम करना आवश्यक। मोटापे को नींद के दौरान खर्राटे लेने का सामान्य कारण माना जाता है। अधिक वजन वाले व्यक्ति की मांसपेशियों की टोन अक्सर खराब होती है, जिसके कारण गर्दन और गले के आसपास के ऊतकों में वृद्धि हो जाती है। इससे सोते समय बार बार खर्राटे आ सकते हैं। आहार और जीवन शैली में बदलाव करके वजन को नियंत्रित करने और खर्राटों की समस्या से राहत पाई जा सकती है। वजन कम करने से कई तरह की अन्य बीमारियों का जोखिम भी कम होता है। शराब धूम्रपान से बनाए दूरी। शराब धूम्रपान, ये दोनों ही आदतें खर्राटों की समस्या को बढ़ा सकती हैं। साल 2020 के एक अध्ययन के अनुसार शराब की आदत आपकी नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है, जिससे कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों का खतरा बढ़ता है। इसी तरह धूम्रपान की आदत भी खर्राटों की समस्या का कारण बन सकती है। हाइड्रेशन का रखें पूरा ख्याल। निजलीकरण के परिणाम स्वरूप आपकी नाक में बलगम जमता है, जिससे खर्राटे आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। खुद को हाइड्रेट रखना खर्राटों के लिए सबसे आसान प्राकृतिक उपचारों में से एक हो सकता है। शरीर को हाइड्रेट रखकर आप कई तरह के स्वास्थ्य जोखिमों को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने आपको खर्राटों की समस्या और उसके उपचारों के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।